शगुन भाई अपनी पूरी दुकान लगा के बैठ गए। तो भाई मास्क उतार लेता हूँ पहले, यार आदत पड़ गया मास्क उतार। तो भाई वेलकम टू आवर चैनल पथिक नामा। आज हम आए चाय शाय बार में प्रेमनगर। हाँ, अगर आप हमारी फैमिली में पहले से हैं, मतलब हमारे चैनल को पहले से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा चाय शाय बार कहाँ पे था और किससे मिलना है। तो बाकी अभी हम उनके तो दूसरा आउटलेट यहाँ पे खुला है कि दूसरा है तीसरा है वी डोंट नो, देहरादून में तो बहुत सारे खुल गए हैं लेकिन ये बहुत। आज यहाँ पे दरअसल ओपनिंग है तो वी आर इन्वाइटेड हियर बाय द, अभी पर्सन आपको दिखा देंगे बंदा यहाँ पे जो यहाँ से जिसने लिया है यहाँ पर। आउटलेट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शानदार अच्छा लग रहा है। यहाँ जो प्रेमनगर में रहते हैं जरूर आते हैं। हाँ, बाकी यार अभी देखते हैं, आपको भी पूरा दिखाते हैं कैसा है क्या है क्या चीज़ है, ठीक है, मिलवाते हैं। और जो बंदे हैं यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे ये आउटलेट लिया है, तो बाकी चलो उनसे बात कराते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है। आज हम शुरू कर लेते हैं चाय पे वार्ता। अभी हमारे साथ सारे भाई लोग क्या ओनर्स लोग हैं यहाँ पे, जहाँ मैंने जहाँ पे बताया था आज ओपनिंग है चाय शाय बार की, थर्ड आउटलेट है देहरादून का। अभी मुझे करेक्ट किया है, उत्तराखंड का फोर्थ है और देहरादून का थर्ड आउटलेट है, तो मैंने अभी सेकंड बोल दिया होगा तो इग्नोर दैट। तो अभी भाई प्रेमनगर में जो आउटलेट खुला है, मतलब उनके सब ओनर्स यहीं पे हैं, तो हम लोग इन्हीं से जान लेते हैं कि कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ का ये चाय शाय बार फर्स्ट टाइम प्रेमनगर में ओपन होके कैसा लग रहा है। पहले तो आप हमें बताइए कि आपको यहाँ एंट्री करके कैसा लगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, देखो मैंने पहले भी बोला था और शगुन को भी याद है, जब वहाँ पे आउटलेट खुला था वो चार मंजिल का, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब आज भी मैं जब वहाँ से एंटर हुआ हूँ और पूरा मैंने अंदर तक आया हूँ, मैं पूरे एंड में बैठा हूँ यहाँ पे इस समय पे, ठीक है। पर अभी चलने के लिए आपके जाने के वगैरह बहुत लंबा, आपको देखना पड़ेगा कितनी सीटिंग्स है, सब कुछ है, और यहाँ पे सीटिंग्स भी सब कुछ पूरा अलग है, वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। और बाकी तो आप लोग को खुशी पूरी होगी, अभी पीछे म्यूजिक भी चल रहा है, सर ने कहा अभी रुक जाओ देख लेते हैं कैसा है। बाकी सर मतलब आप भी फैमिली अब हो ही गए हैं सब सारे पूरी वहाँ पे, तो अब कैसा लग रहा है भैया को आप जानते हैं। हाँ सर, तो आपको तो अभी आपके कैसा लग रहा है। ओके, मैं पहले इंट्रो करा देता हूँ। ये है अरुण तलवार जी, मेरा नाम है अमित आनंद और ये है चिरंजीव तलवार, ये दोनों मेरे भांजे हैं, मैं इनका मामा। ओके, मामा भांजो की जोड़ी को तो आप जानते ही हैं। देखिए इशू ये था कि जब हम लोग कभी चिल आउट करने की सोचते थे प्रेमनगर में बैठ कर, तो हमको जो हमारा टारगेट होता था कि हम रेस्टोरेंट में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे किसी भी जगह में, तो वो होता था कि देहरादून राजपुर प्रेमनगर में कुछ भी नहीं था। अब प्रेमनगर में देखिए आप आकर एक बार कि क्या चेंज आया क्या नहीं आया, ये सब कुछ आपको मतलब पता लगेगा। एम्बियंस देखिए यहाँ का, ये प्रेमनगर के लिए स्पेशली बनाया, और अब हम ये चाहते हैं कि राजपुर रोड वाले या देहरादून शहर वाले प्रेमनगर आए देखने के लिए। ऑब्वियसली ऐसा होगा क्योंकि प्रेमनगर का जो ये आउटलेट है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत काफ़ी अच्छा आउटलेट है, काफ़ी लंबा आउटलेट है यहाँ पे, बहुत बढ़िया बना दिया गया है, मतलब सिटिंग की तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और सर की मैं सोचता हूँ कि आपकी ये बात सही हो जाए, मतलब राजपुर रोड से बंदे यहाँ पे आके बैठे तभी मज़ा आएगा। मतलब मैंने अभी तक मैं बल्लूपुर से भी अगर काउंट कर लूँ तो यहाँ पे मतलब एक कॉफ़ी शॉप है।
पे चलता है, बाकी और कुछ नहीं है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन प्रेमनगर में यहाँ पे अभी बहुत सारे यूथ हैं, मतलब UIT है, अल्पाइन है, और मतलब पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, काफ़ी चीज़ें हैं। वो लोग मतलब मेरे दोस्त लोग हैं, काफ़ी लोग बोलते थे कि अपन को यार उधर कुछ मिलता नहीं है, तो हम लोग नीचे की साइड जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा चिल आउट करते हैं। सर की बिल्कुल सही बात थी, तो अभी हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे आके देखें और यहाँ पे आके इन्जॉय करें, तभी मज़ा आएगा। सर की मतलब जो बात है उसको सच करना है यार, है ना। बहुत चीज़ें ना यूनिक भी हैं, पॉकेट फ्रेंडली तो आप जानते हो यार, 10 रुपए की चाय में अगर यहाँ पे आके बैठ के पी रहे हो, क्या अच्छी कोई चीज नहीं है। और ये तो चाय पीता भी नहीं है तभी भी आके बैठा हुआ है। और ये बात में सच सच हो रही है कि प्लांटेड जैसे कि दूर दूर से लोग राजपुर रोड बल्लोपुर आस पास के 15 से 20-30 किलोमीटर के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, हमें ऐसा एटमोसफेयर नहीं मिलता, हमें मज़ा आ गया यहाँ पर। आज लोगों ने इन्जॉय करा, वो फील करा उन्होंने कि मज़ा आ गया प्रेमनगर में, ऐसा कुछ मिला कि हम लोग आराम से आगे फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं। हम लोग रोज रात को स्पेशली कार लेके चाय छुट्टा बात चाहिए, क्योंकि प्रेमनगर कुछ है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा हॉल था, हमने सोचा कि चलो पहले सोचते हैं कि मतलब वो खोल लेते हैं, जनरल स्टोर खोल लेते हैं, फिर देखा कि जनरल स्टोर तो सब खुल रहे हैं, कॉमन है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ हट के खोलते हैं, मतलब प्रेमनगर वालों को कुछ अच्छा मिले। और उसके बाद मतलब हमने मामा ने डिस्कस किया आपस में, उसके बाद स्पेस था हमारे पास। तो बाकी यार भाई आप मतलब यही गुजारिश है कि भाई प्रेमनगर आओ तो यहाँ ज़रूर आना, और एम्बियंस का मज़ा लेना, चाय का मज़ा लेना, और मतलब दवाई मजा देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार और आपको। और एक चीज़ सबसे बड़ी ये, 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 इसकी भी सुन लो, चाय मार्केट में टोटल 40 आउटलेट और ये सबसे यूनिक है पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा यूनिक है। मतलब वो तो हमने कुडोस पिछले वाली वीडियो में भी कर दिया था, आउटलेट्स ग्रोथ अच्छा चल रहा है, तो मतलब जरूर बता दें कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आउटलेट कैसे और अभी बाकी फूड कैसा है, बाकी सबको फूड का रिव्यू देते हैं इसका, ये खाने का बुक कर मिलते हैं खाने पे भाई। हाँ तो शगुन भाई अपनी पूरी दुकान लगा के बैठ गए, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास बर्गर, पनीर चीज़ बर्गर, ये वाटर मेलन क्या था, वाटर मेलन वही तो था, ये ब्लू करेक्को कुछ था वही तो है वो भी, और ये चीज़ सैंडविच आ गया अभी, मतलब सारा इसी को खाने देते हैं वैसे तो। खाली टेस्ट करेगा, बाकी सब मेरा है। चल चल भाई, मतलब अभी ये सब निपटा के अपन लोग मिलते हैं वापस से, देख ही रहूँगे काफ़ी आवाज़ें भी आ रही हैं, तो मिलते हैं भाई खाना पीना खा के, ठीक है। हाँ तो भाई फिर से मैंने अभी सीट चेंज कर दी है, क्योंकि उधर तो काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, अभी भी आ रही होंगी, आज क्योंकि ओपनिंग था ना यार, थोड़ा सा करना पड़ेगा एडजस्ट तो। लेकिन भाई अभी जो है शगुन तो डकारे मार रहा था क्योंकि हमने अभी काफ़ी चीज़ें खा ली हैं, और काफ़ी चीज़ें लेट भी होगी क्योंकि यार उनको भी मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने जो है ब्लू करेको मॉकटेल और वाटर मेलन मोहितो और आपका बर्गर था और चीज़ बर्गर था, सैंडविच मतलब ठीक था, बढ़िया था। और बाकी यार यही है कि अब प्रेमनगर में खुल गया तो मतलब प्रेमनगर ही पूरी उसको तो कैप्चर करना ही पड़ेगा, बढ़िया है यहाँ पे जरूर आना क्योंकि प्रेमनगर में अभी कुछ है नहीं, अभी कुछ वैसे खुला नहीं है, पूरी मार्केट ये नॉर्मल मार्केट है, ये चीज़ पहली बार इधर खुला है मार्केट में, तो बढ़िया। तो यार बाकी रिव्यू तो हमारा तो बढ़िया ही है, यूनिक प्लेस है, यूनिक यहाँ का फिक्चर्स है, और आपका एम्बियंस तो सब कुछ मज़ा आ ही जाएगा, और फूड तो आपका सब कुछ अवेलेबल ही है। तो यार मस्ट विजिट, नाम तो आपने देख ही लिया होगा शुरू में। हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो बाकी यार मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शगुन को अलविदा कर दो, मुझे भी कर दो, हाँ जितना ज़्यादा हो सके उतना कर दो यार, बटन थोड़ा सा दबा लो भाई, बहुत टाइम हो गया, थोड़ी सी तो कर लो। चलो भाई मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।